हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी चोपला गजोला से। तो आज हम कुछ एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, और अच्छा काम भी नहीं है, बस एक फालतू के सिरदर्दी है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं बरेली अपनी यूनिवर्सिटी में, जिससे अपना कॉलेज एफिलेटेड है। तो हो सकता है आज पूरे यूनिवर्सिटी का हम टूर करें। आज छोटा सा काम है यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से हम जा रहे हैं। और यह है अपना जूनियर अरबाज, ये भी बरेली से है। तो बाकी हम सब लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। यह कैब भाई, ये हमारे कैब भाई भी बरेली जा रहे हैं। ये फहद है हमारा क्लासमेट, हाय। और ये हमारे सुहेल प्रधान, हाय। तो करते बरेली जा रहा है ये। तो गाइस एक बंदा भी हमारा गायब है, जैसे ही वो आ जाएगा तो उसका भी एक दिखा देंगे, और फिर बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं बरेली के लिए। तो चलो मिलते हैं रास्ते में। पेपर की बड़ी टेंशन है, तो ये पढ़ता हुआ जा रहा है पीडीएफ में। ये देखो इसने पीडीएफ बोल लगी है, पढ़ता हुआ जा रहा है। बट कोई नहीं गाइस, रास्तों का मजा लेते हुए आज निकलेंगे। तो ये एरिया है मुरादाबाद का टोल टैक्स, और हमने मुरादाबाद क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सलर है गाड़ी रोक के। और देखो इसको चुल मची है गाड़ी से बाहर निकलने की, क्यों गाड़ी से बंद करनी पड़ेगी। सोसू लगी है इसे, सोसू ही बाहर खड़ा हो गया निकल के। तो गाइस हमारा पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप है हमारा, और हम अभी रामपुर पार कर चुके हैं। और रामपुर पार करने के बाद हम हाईवे के साइड में खड़े हैं, हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, पर खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या रहता है। ये बरेली का फेमस झुमका, हम पहुंच चुके हैं अब यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में हमने कर दिया एंट्री। तो ये सामने अपना प्रशासनिक भवन है, और ये अपनी यूनिवर्सिटी का एरिया, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बहुत शानदार नजारा, यूनिवर्सिटी कह रहा है, अपना बीएमएस कंप्लीट यहाँ से होगा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और गाड़ी हमने कर दिया पार्किंग। तो गाड़ी पार्क कर दिया, और ये देखो इनको इतनी जल्दी है कि ये इतनी जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी है भाई। यूनिवर्सिटी में आने के बाद कैसी फील हुई तुझे? कमर टूट गई इसकी, कमर टूट गया बाद। और ये उठते ही देखो ये गाड़ी में से निकला और मैसेज करने स्टार्ट करेंगे। भाई कैसे मैसेज कर रहा? तो ठीक है अब जी, हम देखो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है, जिम का बैनर दिखा है, ये लग रहा है जिम ओपन। तो मुझसे कह रहा है पहले मैं जिम कर आऊँ, हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जिम भी है। आजा आजा आजा, ज़्यादा जिम मत कर। हाँ तो ये गेट है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी गेट में घुस लो। अच्छा एंटर हो गए। छोटा सा वर्क था जो साइबर कैफे से करना था, और एप्लीकेशन लिखनी थी, तो हम जा चुके हैं वापस से यूनिवर्सिटी में। तो देखते हैं अभी ये सबमिट करनी है, सबमिट करने के बाद क्या रहता है। तो गाइस फाइनली हमने पूरा जो है अपना पेपर वर्क कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं अपना पेपर वर्क सबमिट करने हैं। तो पेपर वर्क पूरा हो गया। ये राजा यहाँ भटक रहा था कुड़ियों पे, साला इसको पकड़ लिया हमने, है ना। तो राजा की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसका ये मानना है। तो अभी गाइस अब सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में मिलते हैं क्या रहता है। तब तक के लिए लंच करेंगे और वापस से यहीं मिलेंगे, बाय बाय। एक छोटा सा फिर से सियप्पा हो गया कि हम एक डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए थे, और उसका प्रिंट आउट भी नहीं कराया था। तो अभी एक बंदे को भेजा हमने प्रिंट आउट के लिए, तो गाइस वो जैसे आ जाएगा तो सबमिट करते हैं। गाइस फाइनली हमारा सारा काम पेंडेंट हो गया है, और हमने अपने पेपर भी सबमिट कर दिए हैं,
और यह है यूनिवर्सिटी का मेन गेट। कौन सा है? प्रशासनिक भवन। तो अब प्रशासनिक भवन के जस्ट हम गेट के सामने खड़े हुए हैं और ये अपने जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। तो गाइस चल रहे हैं। किसका नंबर लिया? सही है, ये बंदा बहुत काम का निकला, इसने एक का कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया जिससे हमने फॉर्म रिजेक्ट कराए हैं। तो गाइस अब चल रहे हैं अपनी कार की तरफ और अब खाने पीने का देखते हैं क्या रहता है जावेद भाई के पास। इस बंदे को गौर से देखिए, इसे भूख लग रही है। वहाँ भी खड़ा पड़ा कैब भाई का कुमार। तो गाइस अभी आप कार की तरफ जा रहे हैं और पूरा सब खुशे हैं। देखो कितने खुश हैं ये लोग। ओए ये देखो सब के सब कितने खुश हैं, इनका काम एकदम हो गया। ये जा रहे हैं मुतराज लिए फ्रेश होने। ये देखो लड़ाई चल रही है आगे पीछे बैठने के चक्कर में। अरे यार भैया को खाना भी खिलवाना भूखे हैं। लोग पीछे बैठते हैं, आ जाओ पहले। तो गाइस फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत मजा आया क्योंकि हमने खड़े खड़े हमारे पाँवों की तो फट गई है ना। और अब आगे देखते हैं क्या रहता है। पसीना बहुत ज्यादा है, खाना वाना खाना है, निकलने की प्राक में निकल जाएंगे। तो ये देखो अरबाज, अरबाज हाय। इसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे घर चलो, तब के बरेली का ही है। और हमारी मोहब्बत में ये राजा आ गया था हमारे पास। बात ये है, अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब हम यूनिवर्सिटी को कर देते हैं बाय बाय यूनिवर्सिटी। गाइस देखो इस बंदे ने यहाँ रुकवाया था और इसने खाने के नाम पे हमें घास खिलवा दी। घास खिलवाई तूने हमें यहाँ। आ भैया देखिए किन्ने, इन्होंने रोका था, इन्होंने झुमके पे खांगे, झुमके पे खांगे, झुमके पे। और इतना बकवास खाना खिलवाया है, इतना बकवास खाना खिलवाया है इन्होंने। देखो इसके मूड की माँ बहन हो रखी है, भूखे पेट पे ऐसे लगे जैसे किसी ने लात मार दी हो। ये लोंडा मौके से चौकस रहता है, जब तुरंत गाड़ी में आते ही देखो सबसे पहले यही बैठता, कभी से छोड़ के ना भाग जाम। सिकल दिखाइए अपनी। हम इस झुमके के पास में थे, झुमके के पास में है ये होटल। तो गाइस देखो ये डिग्गी बंद करने की फिराक में, मगर इनसे डिग्गी बंद नहीं हो रही है। यहाँ भी सवाल, तेरा क्यों मूत्रा पड़ा, क्या हो गया तेरा, घुमा बिगड़ गया तेरा, सिर में तेरा धो गया। ले भाई इस आदमी ने 1 किलो बिरयानी खाई और सुवर होगी तेरा पड़ा ही आज गाड़ी में 1 किलो बिरयानी खा के। है ड्राइवर साहब तुम गवाओ इस बात के, जरा देख लियो मैं कह रहे हैं। ड्राइवर साहब ने तो खुद तमाम खाई ये दोनों पेटिले। पेट अंदरूनी वाला गाइस हमने नहीं खाई, 250 ग्राम बिरयानी खाई। इसका पेट और दो कबाब कम होती है, 1 किलो ना, 250 ग्राम और दो कबाब। मेरे कबाब भी खाए, मेरा भाई ये बताएगा मैंने 250 ग्राम बिरयानी खाई। इसने 3 कबाब खाए और 1 किलो बिरयानी अब भी खा गया तू, दूसरों के कबाब दूसरों के। गरीब आदमी पीछे बैठा है और पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये सब पब्लिक सो चुकी है।